हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल इंग्लिश ट्यूटोरियल। तुम्हारे कैकजे अनुरोधे हमें विगत 10 बचर माध्यमिक राइटिंग स्किलर ऊपर जिसमें प्रश्न एसेल सेगुलो नहीं आज के वीडियो तैरी करी। अर्थात ये वीडियोते तुम्हारा विगत 10 बचर माध्यमिक राइटिंग स्किलर समस्त प्रश्न पे जा। तो तुम्हारा सम्पूर्ण वीडियो भलोक देखे बुझे नाओ जो कि प्रश्न माध्यमिक राइटिंग स्किले आसे और तुम्हारा क्यों प्रस्तुति ने। तो आजकल वीडियो पुरो देखार पर तुम्हारे मध्य एक धारणा तैरी है जो कि प्रश्न विगत बचरगुलोते धरण राइटिंग ऊपर तुम्हारा बेसी जोर देवे। और आगामी वीडियोते तुम्हारे राइटिंग स्किलर ऊपर एक सजेशन देव जाते तुम्हारा आगामी बचर भलोक प्रस्तुति नीते पारो। तो देखो 2011 साले जो प्रश्नगुलो एसेछिलो क्वेश्चन 1, राइट ए पैराग्राफ अबाउट द पर्सन यू लाइक मोस्ट इन योर फैमिली। अर्थात तुम्हार परिवारे जे सदस्य के तुम सबथेके बेशी भालोबासो बा पसंद करो एई निये एकटा पैराग्राफ लिखते हबे। द्वितीय प्रश्न देखो, लेटर टू योर फ्रेंड। देखो एखाने आमी वाक्यगुलोके छोटो करे लिखेछि जाते करे तोमादेर बुझते सुविधा हय बा आमार बोलते सुविधा हय। लेटर टू योर फ्रेंड, तारपर देखो हाइफेन दिए टपिकटा लिखेछि। कि टपिक? अबाउट द बेनिफिट्स अफ रिडिंग ए गुड न्यूज़पेपर। अर्थात खबरेर कागज पढ़ार गुरुत्व बा उपकार निये बंधुके एकटा चिठी। तो एटा हलो पार्सोनल लेटर। क्वेश्चन 3, राइट ए रिपोर्ट फर योर स्कूल मैगजीन ऑन द सेलिब्रेशन अफ 150th बार्थ एनिवर्सारि अफ रवीन्द्रनाथ टेगोर। अर्थात रवीन्द्रनाथ ठाकुर 150तम जन्मवार्षिकीते जे विद्यालय अनुष्ठान हयेछे सेई निये एकटा रिपोर्ट राइटिंग एवं सेटा स्कूल मैगजीने लिखते हबे। ये तीनटा प्रश्न 2011 साले एसेछिलो। एरपर देखो 2012 साले जे प्रश्नगुलो एसेछिलो, प्रथमे देखो राइट ए प्याराग्राफ अन ए जार्नी बाय ट्रेन। अर्थात एकटा ट्रेन यात्रा, तुमी कखनो ट्रेने गिएछिले से ट्रेनेर भ्रमणेर अभिज्ञता। तारपर देखो लेटर टू योर फ्रेंड, तोमार बंधुके चिठी। अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अर्थात तुम्हार की पसंद एवं की अपछंद यही निये बंधु के एक चिठी लिखते हबे। क्वेश्चन 3, राइट ए नोटिस रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ए प्रोग्राम एंटाइटेड कीप योर स्कूल क्लीन। अर्थात तुम्हार विद्यालय परिष्कार रखते हबे यही निये एक विद्यालय प्रोग्राम हबे। अर्थात स्कूल क्लिनलिनेस प्रोग्राम, सेखाने छात्र छात्रीदेर उपस्थित थाकार निर्देश दिए एक नोटिस लिखते हबे। 2013 साले जे प्रश्नगुलो एसेछिलो, देखो राइट ए पैराग्राफ ऑन द यूजफुलनेस अफ मॉर्निंग वॉक। अर्थात प्रातःभ्रमणेर ऊपर तोमाके एक पैराग्राफ लिखते हबे। क्वेश्चन 2, लेटर टू योर पेन फ्रेंड, अर्थात प्रिय बंधुके चिठी। अबाउट योर रिसेंट विजिट टू ए प्लेस अफ इंटरेस्ट, এটা একটা ভালো প্রশ্ন। এই প্রশ্নটার উপর ভিডিও আপলোড করা আছে, তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো। অর্থাৎ কোনো ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণের একটা অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি। রাইট এ নিউজপেপার রিপোর্ট অ্যাবাউট এ গার্ল হু সাকসিডেড ইন অ্যাভয়েডিং হার আনটাইমলি ম্যারেজ টু পারসিউ হার স্টাডিজ। অর্থাৎ একটা নিউজপেপার রিপোর্ট লিখতে হবে একটা মেয়ের সম্পর্কে যে তার বিয়ে আটকেছে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর দেখো 2014 সালে যে প্রশ্নগুলো এসেছিল, রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন এ স্পোর্টস পারসন ইউ অ্যাডমায়ার মোস্ট। অর্থাৎ তোমার প্রিয় একজন খেলোয়াড়ের উপর তোমাকে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে। তারপরে দেখো স্টোরি রাইটিং, একটা গল্প লেখা পড়েছিল, এ সোলজার অ্যান্ড দ্য কেজড বার্ডস। অর্থাৎ একটি সৈনিক এবং খাঁচায় থাকা পাখিদের গল্প। তো তোমাদের এই সমস্ত রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু পয়েন্টস বা কিছু হিন্টস বা কিছু ফ্লো চার্ট দেওয়া থাকবে। তো আমি কি করছি, সহজে বোঝানোর জন্য শুধুমাত্র প্রশ্নটা তোমাদের বলছি। এরপরে দেখো 3, রাইট এ নোটিস ইনভাইটিং দ্য স্টুডেন্টস টু অ্যাটেন্ড লেকচার অন সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। অর্থাৎ তোমার বিদ্যালয়ে সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের উপর একটা লেকচার দেওয়া হবে। অর্থাৎ লেকচার দেওয়া অনুষ্ঠান একটা রয়েছে, সেখানে ছাত্রদের আহ্বান করতে বলা হয়েছে ওই অনুষ্ঠানে। 2015 সালে
राइट ए पैराग्राफ ऑन फ्रेंडशिप, अर्थात बंधुत्वर ऊपर एक पैराग्राफ बा अनुच्छेद लिखते हबे। तारपरे देखो लेटर टू योर कजिन, अर्थात तुम्हार तुतो भाई बा तुतो बोन के एक चिठी लेखो। डिस्क्राइबिंग ए फैमिली गेट टुगेदार रिसेंटलि हेल्ड इन योर हाउस, अर्थात तुम्हार बाड़ीते हुए चे जेखने समस्त परिवार सदस्य एक संगे जड़ो हुए चिले, अर्थात ये फैमिली गेट टुगेदार निये बंधु के एक चिठी लेखो जे तुम्हार केमन अभिज्ञता हुए चे। एरपर देखो तृतीय प्रश्न, राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट ए टैक्सी ड्राइवर हू रिटर्न ऑर्नामेंट्स ऑफ ए पैसेंजर मिस्टेकनलि लेफ्ट इन द टैक्सी, अर्थात एक टैक्सी ड्राइवर एक गल्प बोलते हैं जे तार मालिकेर सोनार गयना फिरत दिए, अर्थात से एक भद्रलोक तार टैक्सी ते किछु सोनार गयना फेले गिये चिलो, सेटाके से टैक्सी ड्राइवर ताके फिरत दिए। 2016 साले जे प्रश्न एसेछिलो देखो, राइट ए पैराग्राफ ऑन कीपिंग योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड इको फ्रेंडलि, अर्थात एक पैराग्राफ लिखते बला हयेछे एखाने देखो कीपिंग योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड इको फ्रेंडलि, अर्थात तुम्हार आसपास के कीभावे परिष्कार एवं परिवेश बांधव तैरि करबे एटार ऊपर। लेटर टू योर यंगर ब्रदार, तुम्हार छोटो भाई के चिठी स्टेइंग इन ए होस्टेल जे होस्टेले थाके। अबाउट ए पेट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर फादर एज ए बर्थडे गिफ्ट, तुम्हार बाबार काछ थेके तुमि एकटा पुरस्कार पेयेछो, से पुरस्कारटा हच्छे कि एकटा पोष्य, अर्थात एकटा पोषा जिनिस, सेटा जानिए तुमि भाईके एकटा चिठी लेखो। राइट ए नोटिस रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू डोनेट मानी एंड अदर एसेंसियल आइटेम्स फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम्स ऑफ नेपाल, अर्थात 2016 साले नेपाले भूमिकम्प हुए तो से भूमिकम्पर फले जरा क्षतिग्रस्त हो तादेर सहाज्य करार जोन्नो छात्र छात्रीदेर काछ थेके अर्थ सहाज्य चावार जोन्नो तुम्हें एक नोटिस लिखते हबे। नाउ 2017 2017 साले जे प्रश्नगुलो एसेछे, लेटर टू ए फ्रेंड अबाउट द प्लेस यू लिव इन, एकदम सहज प्रश्न, अर्थात तुम जेई जायगाय थाको सेई जायगाटा सम्पर्के एकटू बर्णना दिए बंधु के चिठी लिखते हबे। तारपर देखो स्टोरी राइटिंग ए शेफर्ड एंड द उल्फ, अर्थात एक सेई राखाल छेलेर गल्प जे बार बार बोलतो जे बाघ एसेछे बाघ एसेछे, तो सेई गल्पटा एसेछिलो 2017 साले। एरपर देखो प्रिपारेशन अफ ए मिक्सचार यूजफुल फर रिहाइड्रेशन और मेनटेनिंग बैलेंस अफ व्टार इन द बडी, अर्थात एट ओआरएस तैरि करार पद्धति बोलछे, अर्थात एक मिक्सचार तैरि करते हबे जेटा कि देहे जलर चाहिदा मेटाबे, सेटार ऊपर एक प्रिपारेशन राइटिंग तुम्हें लिखते हबे अवश्य फ्लोचार्टर सहाज्ये। 2018 साले जो प्रश्नगुलो एसेछे, लेटर टू दि इन्सपेक्टर इनचार्ज, अर्थात थानार इन्सपेक्टर इनचार्ज, अर्थात थानार आधिकारिक के चिठी अबाउट लस अफ मोबाइल फोन, जो तुम्हार एक मोबाइल फोन हारिए गए सेटा जानिए एक कमप्लेन करते, अर्थात एक अभियोग दायर करते तुम्हार मोबाइल फोन हारिए गए। तारपर देखो राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक संवादपत्र एक रिपोर्ट लेखो ऑन द आउटब्रेक अफ फायर इन योर लोकल मार्केट, तुम्हार स्थानीय मार्केट बा बाजारे आगुन छड़िए पड़े यही एक रिपोर्ट लिखते हबे। क्वेश्चन थ्री राइट ए बायोग्राफी अफ विराट कोहलि, विराट कोहलिर ऊपर एक बायोग्राफी लिखते बला है। 2019 साले एडिटोरियल लेटर पड़े, देखो एडिटोरियल लेटर रिजन्स व्हाई प्लास्टिक कैरी बैग शुड बी बैंड, अर्थात संवादपत्र सम्पादक के चिठी लिखते हबे एटा जानिए जे केन प्लास्टिकेर बैग बंद करा उचित बा केन प्लास्टिकेर बैग व्यवहार करा बंद करा उचित। तारपरे देखो स्टोरी राइटिंग ए बॉय एंड द ब्रोकन रेलवे ट्रैक, अर्थात एक छेले एवं भांगा रेलवे ट्रैक, अर्थात एक छेले जखन देखेछिलो जे ट्रेन लाइनटा भांगा रयेछे एई निये जे गल्पटा रयेछे सेई गल्पटा किन्तु 2019 साले एसेछे, अर्थात स्टोरी राइटिंग एसेछिलो। तारपरे देखो राइट ए नोटिस, नोटिसटा कि निये देखो कलिंग द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल ड्रामा कम्पिटिशन, अर्थात इंटर स्कूल ड्रामा कम्पिटिशन
সেখানে অংশগ্রহণ করার জন্য ছাত্রদের আহ্বান জানিয়ে একটা নোটিশ লিখতে হবে। 2020 সালে যে প্রশ্নগুলো এসেছে দেখো, রাইট এ নিউজ পেপার রিপোর্ট অ্যাবাউট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট দ্যাট টুক প্লেস ইয়েস্টারডে, অর্থাৎ যে কোনো একটা দুর্ঘটনা যেটা গতকাল ঘটেছে এটা নিয়ে তোমাকে একটা রিপোর্ট লিখতে হবে। এরপরে দেখো, লেটার টু ইয়োর ফ্রেন্ড, বন্ধুকে একটা চিঠি লিখতে হবে অ্যাবাউট আ কালচারাল প্রোগ্রাম ইউ হ্যাভ অ্যাটেন্ডেড রিসেন্টলি, অর্থাৎ একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেখানে তুমি যোগদান করেছিলে সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে একটা চিঠি। এরপরে দেখো তৃতীয় যে প্রশ্নটা পড়েছিল, এটা একটা প্যারাগ্রাফ, অন দ্য মোস্ট মেমোরেবল ডে ইন ইয়োর লাইফ, অর্থাৎ তোমার জীবনের একটা সবথেকে স্মরণীয় দিন এটা জানিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে, অর্থাৎ স্মরণীয় দিনের উপর একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে। তো এই হলো বিগত 10 বছরের রাইটিং স্কিল। তো এখান থেকে যে অভিজ্ঞতাটা আসছে সেটা হচ্ছে, দেখো আমি তোমাদের একটু বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করছি, 10 বছরে মোট 30টা যদি প্রশ্ন ধরে নিই, টোটাল দেখো 30 কোয়েশ্চেন্স এখানে রয়েছে, 30টা প্রশ্নের মধ্যে কোন রাইটিং কতবার এসেছে, একদম প্রথমেই দেখো লেটার রাইটিং 9 বার এসেছে, অর্থাৎ 10 বারের মধ্যে 9 বার লেটার রাইটিং এসেছে, শুধুমাত্র 1 বছর লেটার রাইটিং আসেনি। তারপরে দেখো প্যারাগ্রাফ রাইটিং 10 বারের মধ্যে 7 বার এসেছে, রিপোর্ট রাইটিং 5 বার এসেছে, নোটিশ রাইটিং 4 বার এসেছে, স্টোরি রাইটিং 3 বার এসেছে, বায়োগ্রাফি রাইটিং ও প্রসেসিং রাইটিং এই দুটো 1 বার করে এসেছে। তো বায়োগ্রাফি এবং প্রসেসিং এগুলোও কিন্তু এক ধরনের প্যারাগ্রাফ, তাই এগুলোকেও দেখো আমি এখানে হলুদ রং দিয়ে দেখিয়েছি। তো তাহলে এই 7 রকমের রাইটিং স্কিল কিন্তু তোমাদের বিগত 10 বছরে এসেছে, এর বাইরে অন্যান্য কোনো রকম রাইটিং স্কিল কিন্তু আসেনি। তো তাহলে আমি বলবো যে এই রাইটিংগুলোর উপর তোমাদের কিন্তু বেশি নজর দিতে হবে বা এগুলো গুরুত্ব দিয়ে তোমাদের শিখতে হবে। তো পরের ভিডিওতে তোমাদের আমি একটা সাজেস্টিভ একটা অ্যানালাইসিস করব, যেখানে বুঝিয়ে দেবো যে কীভাবে তোমরা এই বছর প্রস্তুতিটা নেবে। তো সঙ্গে থেকো, আর এই ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করে অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেবে, যাতে তারাও কিছুটা এর দ্বারা উপকৃত হয়। ভালো থেকো, লাভ ইংলিশ, ইংলিশ উইল লাভ ইউ।